आगे बढ़ते हैं। यूपी उपचुनाव पर दिल्ली में बड़ी बैठक और यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। वहीं आरएलडी के खाते में एक सीट आ गई है सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएलडी के खाते में मीरपुर की सीट है, 20 अक्टूबर तक उम्मीदवारों का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है जिनमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, तो आरएलडी के खाते में एक सीट आ गई है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मीरपुर सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आ सकता है, तो 20 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के ऐलान भी संभव बताया जा रहा है, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर यह उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार नजर आ रही है। 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और एक सीट आरएलडी के खाते में गई है, तो मीरपुर की सीट से आरएलडी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। तो 20 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नंदन, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है और एक सीट आरएलडी के खाते में जाने की उम्मीद जताई जा रही है सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये बड़ी खबर है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? बिल्कुल साहिल, देखिए सियासी हलचल हो चुकी है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों को लेकर उपचुनाव होने हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ने का नाम नहीं ले रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस सीटों को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, अपने मंत्रियों की फौज इस 10 सीटों पर लगा रखी है प्रत्याशी को चयन को लेकर, और एक सीट से तकरीबन 12 प्रत्याशियों का सूची तैयार की गई है, उसमें से एक प्रत्याशी का चयन भारतीय जनता पार्टी करेगी और 10-12 लोग टिकट मांग रहे हैं एक सीट से। तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सोच विचार करना, कहीं ना कहीं उस सीट को जीतने की कवायद साफ नजर आ रही है, और यही वजह है कि दिल्ली में कल देर रात तक बैठक चली थी। दोनों डिप्टी सीएम थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो निर्णय इन सब ने लिया था, हालांकि प्रत्याशियों का जो नाम है वो फाइनल हो गया, 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को लड़ाएगी। हालांकि एक सीट जो मीरपुर की है वो भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को सौंप सकती है, चूंकि पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के तरह जो सहयोगी दल है यानी कि रालोद आरएलडी वो उस सीट से चुनाव जीती थी, और कयास ही लगाए जा रहे हैं कि 20 अक्टूबर तक जो उपचुनाव की जो अधिघोषणा है वो सारी हो सकती है, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम घोषणा करेगी। जी नंदन, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर यह कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक संभवतः उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर कर दिया जाएगा, और जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि एक एक सीट से 12 ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रत्याशी बनाने की जो रेस में नजर आ रहे हैं, ऐसे में एक का चुनाव करना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर हम नज़र डालें तो एक चुनाव खत्म होता है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने की जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी की वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हुई हमने देखी है, मंथनों का दौर हमने देखा है। अब ऐसे में मुझे लगता है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी, क्योंकि जिस तरीके से मंथन किया गया है तो सोच विचार कर उम्मीदवार यहां पर फाइनल कर लिए गए होंगे अब तक। और निश्चित तौर पर चूंकि देखिए लोकसभा प्रणाम अब उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा था भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से आएंगी लोकसभा चुनाव में, हालांकि परिणाम इनके पक्ष में नहीं रहा और सीटों की जितनी उम्मीदें थी उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पाई, और उसके बाद से ही समीक्षा का दौर शुरू हुआ, बैठकों का दौर शुरू हुआ और पूरी की पूरी नज़र टिक गई उपचुनाव पे, और अब ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना काफ़ी जरूरी इसलिए हो जाता है, अहम इसलिए हो जाता है कि जो 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है और वो और ये जो उपचुनाव वो निर्धारित साबित होगा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। इस चुनाव में जो मजबूती से चुनाव लड़ेगा वो कहीं ना कहीं 27 में अपना पक्ष अपनी मजबूती के साथ रख सकता है, और यही वजह है कि उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी संजीदा नजर आ रही है और 10 की 10 सीटें जीतने की कवायद कर रही है। हालांकि देखा जाए तो 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी को लड़ाएगी, तो वहीं एक सीट आरएलडी के खाते
में देने की तैयारी कर रही है, और यही वजह है कि कहीं से कोई कोर कसर, कहीं से कोई चूक नहीं करने की सोच रही है। और सभी जगहों पे जितने उपचुनाव की सीटें हैं, यानी 10 सीटों पे अपने मंत्रियों की फौज तैनात कर रखी है और जिताऊ प्रत्याशी ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सभी सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, और जब उपचुनाव का अधिसूचना जारी होगी, यानी कि 20 अक्टूबर के बाद जब अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान करेगी। जी चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।